watching Star 9 News. थाने क्राइम ब्रांच द्वारा पर्दाफाश किए गए सीडीआर लीक मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। टाइगर श्रॉफ की मां आयशा श्रॉफ से हुई पूछताछ के बाद आज थाने क्राइम ब्रांच ने इस मामले में एक्ट्रेस उदिता गोस्वामी से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। आरोप है कि उदिता ने भी इस मामले में गिरफ्तार हुए वकील रिजवान सिद्दीकी के जरिए अपने पति मोहित सूरी की जासूसी कराई थी। उन्होंने न मोहित के 3 नंबर रिजवान को दिए थे और उन्हें उन नंबरों का सीडीआर निकालने को भी कहा था। आज क्राइम ब्रांच ने इसी बात के लिए उदिता को पूछताछ के लिए बुलाया था। उदिता अपने पति मोहित के साथ क्राइम ब्रांच के दफ्तर भी पहुंची थी। आगरा क्राइम ब्रांच सूत्रों की माने तो रिजवान से हुई पूछताछ में उदिता का नाम सामने आया था। उनके और रिजवान के बीच बातचीत के कई रिकॉर्ड सामने आए हैं, जिसमें उदिता ने अपने पति मोहित की जानकारी रिजवान को जुटाने को कहा था। इसके बदले उन्होंने रिजवान को लाखों रुपयों का भुगतान भी किया था। क्राइम ब्रांच के अधिकारी के माने तो उदिता ने अपना बयान थाने क्राइम ब्रांच में दर्ज कराने पहुंची थी। जांच में ये सामने आया कि उदिता ने शादी से पूर्व ही अपने पति मोहित के मोबाइल का नंबर एडवोकेट रिजवान को दिया था और इस नंबर का सीडीआर निकालने की हिदायत एडवोकेट रिजवान को दी थी। थाने क्राइम ब्रांच सीडीआर केस मध्ये साक्षीदारांची तपासणी करत आहे। त्याच पद्धतीने एक साक्षीदार या प्रकरणामध्ये उदित गोस्वामी यांचं आज थाने क्राइम ब्रांच या ठिकाणी स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलेलं आहे।